एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आई हूँ लिका पंजाब, जहाँ पे अहमदाबाद का फर्स्ट तंदूर पिज़्ज़ा ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं और कैसे बनता है वो भी देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। तो ये जो पूरा रेस्टोरेंट है वो पूरा का पूरा पंजाब थीमेड रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे बहुत ही पसंद आया ये। गाइज, अगर आप अहमदाबाद में हो और आपको तंदूर पिज़्ज़ा ट्राई करना हो तो इसका लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो मेहता कॉम्प्लेक्स नियर राजवल्लभ मंदिर, जैन क्रॉस रोड, मणिनगर, अहमदाबाद, यहाँ पे ज़रूर आना। अभी रेडी हो रहा है और क्या है इसकी प्रोसेस, कैसे बनता है वो देखते हैं। तो चलिए, तो अभी ये भैया बनाएगी यहाँ पे। तो कौन सा वाला पिज़्ज़ा आप बना रहे हो यहाँ पे? मैम, मैं हमारा इंदौर का स्पेशल, हमारा जो पिज़्ज़ा गैंग ब्रांड है, अच्छा, इसका जो हमारा स्पेशल पिज़्ज़ा है, हाँ, मटर पिज़्ज़ा। हमारे जो पिज़्ज़ा के आपको सारे नेम रहेंगे वो अलग ही टाइप के यूनिक रहेंगे। जैसे आप बॉलीवुड में देखा होगा कि गैंग्स होती थी, गैंग्स के अंदर होता था मोगेम्बो, इस टाइप से हमारे पिज़्ज़ा के जो नेम है, अच्छा, हाँ, मोगेम्बो पनीर हुआ, मटरू पनीर हुआ, इसके अलावा हमारा एक टकला पिज़्ज़ा है, बहुत सारे इस टाइप से जो आपने गैंग में नाम देखे होंगे इस टाइप से हमारे पिज़्ज़ा के नाम है। भैया, अभी हमें कौन सा पिज़्ज़ा ट्राई कराओगे? मैम, मैं आपको हमारा इंदौर का स्पेशल मटरू पिज़्ज़ा ट्राई कराऊंगा। इसके अलावा मैं आपको हमारा एक गुलाबो पिज़्ज़ा वो आपको ट्राई कराऊंगा। अभी नेम तो इसका यूनिक है ही, अभी टेस्ट भी कैसा है वो भी देखते हैं। टेस्ट मैम आप पहले टेस्ट करिए, इसके बाद में। तो गाइज़, यहाँ पे पिज़्ज़ा की सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो रेडी हो चुके। तो गाइज़, ये रेडी हो रहा है हमारा मटरू पिज़्ज़ा। ये कौन सा सॉस लगाया भैया आपने ऊपर? ये मैम, ये पिज़्ज़ा बेस पे अभी लगाया वो? ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस है मैम। पिज़्ज़ा सॉस है, ओके। खट्टा मीठा पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे आज आप? मटरू पिज़्ज़ा में कौन सा? मटरू पिज़्ज़ा में मेरा कैप्सिकम का टॉपिंग जाएगा, ऑनियन का टॉपिंग जाएगा, इसके अलावा मटर पनीर जाएगा जो आप ये फ्रेश बीन्स देख रहे हैं, और इसके अलावा कॉर्न का टॉपिंग जाएगा मैम। ये सबसे पहले हमने इस पर सॉसिंग किया है आउटसाइड टू इनसाइड, देन हम लोग इस पर चीज़ बॉटम चीज़ डालते हैं। इसके बाद में हमने इसमें ऑनियन, कैप्सिकम, मटर, एंड देन ये आप ये देख रहे होंगे हमारा मैग्नेट के हुआ पूरा पनीर है, ये पनीर की टॉपिंग जाएगी इसके ऊपर। ये इसमें जो सॉस जैसा कुछ दिख रहा है वो क्या है? मैम, ये इस पर हमारे स्पाइसेस और हर्ब जो है, हाँ, उसका पेस्ट किया हुआ है, उसका कोटिंग किया, मतलब पनीर इसमें फिर डाल या, के पूरा मैग्नेट किया हुआ है। ये हमारा जो टॉपिंग है, टॉपिंग का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो ये हमारा, हम इसके ऊपर चीजिंग करेंगे। ये आपने देखा चीजिंग, हमारा पूरा चीजिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैम, आर यू श्योर आप चीज़ लवर होंगे, चीज़ पसंद करते होंगे एक्स्ट्रा? तो ये मैं आपके लिए स्पेशल चीज़ एड ऑन कर रहा हूँ। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी बता रहा हूँ। गुलाबो पिज़्ज़ा? यस मैम। जैसा आपने नाम से सुना, इसमें पूरा पिंक फ्लेवर आएगा आपको इसमें।
ये सॉस का आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? मैम ये हमारे सीक्रेट्स है। ये पूरा जो सॉसेज है हमारा किचन में ही तैयार किया जाता है, होम बेस्ड सॉस है प्योर। जितने आप इसमें देख रहे हैं इंग्रेडिएंट सारे देसी इंग्रेडिएंट्स है। इसके अंदर ऑनियन, कैप्सिकम, और ये आप देख रहे हैं स्पाइसी एलोपिनोस के स्लाइसेस होती है ये। जैसा मैंने आपको बताया था कि नाम से ही हमारा गुलाबी है। दीपक स्किन तैयार कर, स्किन तैयार कर, स्किन तैयार कर ले। मैम यू आर लाइक इट स्पाइसेस? यस। अभी ये कौन सा है? मैम ये हमारा तंदूरी मायो। तो गाइज ये हमारे पिज्जा जो है वो रेडी हो चुके हैं तंदूर में जाने के लिए, तो चलिए अभी देखते हैं कैसे जाते हैं। अच्छा तो इसे रेडी होने में कितना टाइम लगता है? 7 मिनट्स लगेंगे मैम। हो जाता है? यस मैम। तो अभी ट्राई। ये देखिए सर हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है और सर्विंग के लिए। और नीचे वाले में डाल देते हैं। काफ़ी कम टाइमिंग में सर सबसे फास्टेस्ट पिज़्ज़ा मेकिंग टाइमिंग है ये। ये हमारा सेकंड गुलाबो पिज़्ज़ा भी रेडी है। अरे मैसूर लगा ले बड़ा बड़ी यार। एक मैसूर बना लो Thank you.
गाइज मेरे दोनों पिज़्ज़ा रेडी होके आ चुके हैं, तो अब देखते हैं। ये हमारा मटरो पिज़्ज़ा और ये गुलाबो पिज़्ज़ा। तो गाइज हमारा तंदूर पिज़्ज़ा रेडी है, इसमें मैं ट्राई करूँगी मटरो पिज़्ज़ा। तो चलिए अभी मैं ट्राई करती हूँ इसे कि कैसा इसका टेस्ट है। थोड़ा सा ऊपर से सॉस डालते हैं और इसका जो नाम है वो काफ़ी यूनिक है, तो इसका जो टेस्ट है वो हमको यूनिक लगता है कि नहीं लगता है तो वो देखते हैं। गाइस इसका जो सबका जो टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। इसका जो मटर का थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है और ज़्यादा चीज़ भी नहीं है, और इसकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो कैसे बनता है वो मैंने इसकी सारी प्रोसेस आपको बताई कि कैसे बनता है। इसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स है उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अलग है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी यहाँ पे आओ, एक बार ट्राई करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस मटरो पिज़्ज़ा ट्राई किया, बहुत ही इसका जो टेस्ट है अमेजिंग था, इसका जो स्पाइसी सुपर। अब ट्राई करूँगी गुलाबो पिज़्ज़ा। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैंने आपको दिखाए, इसमें जो टमाटर ऊपर से आप मायोनीज सॉस है वो, तो चलिए ट्राई करें। ये थोड़ा सा स्पाइसी है, गाइस ये जो दोनों तंदूर पिज़्ज़ा है वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अगर आप निका पंजाब में आते हो तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। ये अहमदाबाद में फर्स्ट तंदूर पिज़्ज़ा है। इसका जो टेस्ट है वो मुझे काफ़ी यूनिक लगा है, इसके नाम के साथ इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी यूनिक है, तो यहाँ पे आओ और ट्राई करो। तो गाइस मैंने निका पंजाब की तंदूर पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छी लगी, तो चलिए अभी बात करते हैं निका पंजाब के ऑनर से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है मैम, और मेरा रेस्टोरेंट मणिनगर में 2 साल से है, निका पंजाब के नाम से है रेस्टोरेंट मेरा। और बेसिकली ये पंजाबी चाइनीज़ और दाल बाटी के लिए ही फेमस है। अभी हम लोग न्यू लॉन्चिंग कर रहे हैं तंदूरी पिज़्ज़ा की। सिसोदिया है, आई एम बेसिकली फ्रॉम इंदौर, और जैसा राजीव भाई ने भी आपको बताया होगा कि हम लोग अहमदाबाद में नहीं, पूरे गुजरात में हम लोग फर्स्ट टाइम तंदूरी पिज़्ज़ा लॉन्च कर रहे हैं। और इस तंदूरी पिज़्ज़ा की स्पेशल खासियत यह है कि यह प्योर तंदूर के अंदर चार कोल के अंदर लकड़ी और कोल के ऊपर बना हुआ है। आप दूसरी जगह पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक का और इसके अलावा CNG पे LPG पे बने हुए पिज़्ज़ा आपको वहाँ पर मिलते हैं, बट हमारे यहाँ पे प्योर आपको देसी आँच पे बना हुआ देसी। आपने जैसा यहाँ का एटमॉस्फेयर फेड भी देखा होगा कि आपको यहाँ पर पूरा देसी माहौल है, तो यह जो हमारा पिज़्ज़ा इसलिए हम लोग यहाँ पर देसी पिज़्ज़ा आपके अंदर, आपने जैसा भी ट्राई भी करा था तो आपको यहाँ पर पूरा देसी पूरे जो फ्लेवर है फ्लेवर भी आपको पूरे देसी मिलेंगे। ताकि बेसिकली हमारा ब्रांड इंदौर का है, अगर आपको फ्रेंचाइजी और किसी भी चीज़ से हमारे इंक्वायरी से रिलेटेड है आप का डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा और हमारे राजीव जी का भी नंबर मिल जाएगा, जिसको आपको पूरे गुजरात में किसी को भी अगर फ्रेंचाइजी के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहे वो हमारे राजीव मदन जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पूरा पैन इंडिया में अगर किसी को भी चाहिए तो हम लोग आपसे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इंदौर का है। गाइज ऐसे ही नए नए फूड और नए नए प्लेस में आपको एक्सप्लोर करती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, बाय।